स्वागत है आप सभी का। ये है हमारा मंकी प्रॉब्लम। सवाल कहता है, एक मंकी एक पोल को चढ़ता है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। जैसे सपोज करो कि ये पोल है, ये क्या एक पोल है, तो मंकी इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर 100 मीटर इसकी यहाँ पे हाइट है। वो 6 मीटर ऊपर जाता है और वापस 4 मीटर नीचे आ जाता है। हमको बताना है अगले ही मिनट में, यानी 1 मिनट ऊपर गया और 1 मिनट ये नीचे आ गया, कितने मिनट में मंकी पूरे के पूरे इस पोल को चढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर एक साइकिल होगा वो होगा यहाँ पे 2 मिनट का, और इस 2 मिनट में वो 2 मीटर ही यहाँ पे चढ़ पाएगा, क्योंकि तो 6 मीटर ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। अब क्या है, हमें 100 मीटर है, 100 में से इस +6 को आप यहाँ पे लाके माइनस कर दीजिए तो आएगा आपके पास 94। अब आपको इस 2 मीटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि आप 94 के करीब आ सको, तो आंसर इज 47। मैं इसको 47 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 7 14, 2 4 8 94 मीटर, और 47 इधर भी आ जाएगा, 94 मिनट। ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगला मिनट आएगा और मंकी +6 मीटर ऊपर जाएगा और 95 मिनट होंगे और ये चढ़ जाएगा पूरा का पूरा 100 मीटर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड में, मंकी प्रॉब्लम। ये सवाल कहता है कि एक मंकी है जिसको जिसको एक पोल, एक खंबा चढ़ना है 60 मीटर का। जैसे सपोज करो ये यहां पर मंकी है, यहां पे बांदर है, इसको एक 60 मीटर का खंबा ऊपर चढ़ना है, और वो 5 मीटर ऊपर जाता है और 4 मीटर नीचे आ जाता है -4। हमें बताना है कितने मिनट में मंकी इस खंबे को ऊपर चढ़ पाएगा, मंकी पूरा ऊपर चढ़ पाएगा। आप यहां पे देखिए, जो यहां पर एक साइकिल घूमेगी वो 2 मिनट्स की होगी और उसमें मंकी केवल 1 मीटर ही यहाँ पे चढ़ पाएगा। टोटल उसको जाना है 60 मीटर, तो 60 से जो प्लस वाला है वो आप यहाँ पे लाके माइनस कर दीजिए। अब उसको चढ़ना है केवल 55 मीटर। 55 मीटर के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को 55 से, हमें 55 मीटर इसको यहाँ पे चढ़वाना है, तो यहाँ पर आता है कि 55 मीटर और 110 मिनट्स। फिर 1 मीटर आएगा, फिर अगला मिनट आएगा, मंकी चढ़ जाएगा +5 मीटर, जिससे वो चढ़ जाएगा 60 मीटर पूरा, और उसको समय लगेंगे 111 मिनट।